हमारा ये विशाल ब्रह्मांड न जाने कितने सारे रहस्यों से भरा हुआ है, जिनके बारे में सोचना भी हमारी कल्पना से परे और नामुमकिन है। और इन्हीं में से एक है ब्लैक होल, जो हमारे इस ब्रह्मांड की अब तक ज्ञात सबसे अजीब, आकर्षक और रहस्यमय चीजों में से एक है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर आप ब्लैक होल में गिर जाएं? क्या हम उसमें गिरकर मर जाएंगे या फिर कुछ और भी हो सकता है? आज मैं आपको कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब देने जा रहा हूँ। दरअसल ब्लैक होल स्पेस में एक ऐसी जगह है जहाँ पर फिजिक्स साइंस के कोई भी नियम काम नहीं करते। यह जिस जगह पर होते हैं वहाँ का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि यदि कोई भी चीज इसके प्रभाव में आ जाए तो बच नहीं सकती। यहाँ तक कि सबसे तेज गति से चलने वाले लाइट के पार्टिकल्स, फोटोन भी। यही कारण है कि ब्लैक होल को सीधे तरीके से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि जब विजिबल लाइट ही इसके प्रभाव से नहीं बच पाती तो इसी वजह से हम इसे नहीं देख पाते। लेकिन इसके होने का पता इसके आसपास के वस्तुओं पर होने वाले इसके प्रभाव से चल जाता है, क्योंकि इसके गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव इसके आसपास की वस्तुओं पर पड़ता है और इसके आसपास से गुजरने वाले प्रकाश पर भी। आखिर ये ब्लैक होल्स के बनने का कारण क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी वस्तु ब्लैक होल में बदल सकती है? किसी भी वस्तु का एक छोटे से छोटा साइज होता है, जिसे श्वार्ज़शील्ड रेडियस कहते हैं। जब किसी पदार्थ या वस्तु को श्वार्ज़शील्ड रेडियस में कंप्रेस किया जाता है तो उस वस्तु का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा कि प्रकाश की किरणें भी उससे बच ना सके, और तब हमें मिलता है एक ब्लैक होल। अगर हम माउंट एवरेस्ट को एक नैनोमीटर से भी छोटे साइज में कंप्रेस कर दें तो वह ब्लैक होल बन जाएगा। या फिर अगर हम हमारी पृथ्वी को ही मटर या मूंगफली के दाने के आकार जितना कंप्रेस कर सकें तो हमारी पृथ्वी एक ब्लैक होल में बदल जाएगी। लेकिन हमारे लिए ऐसा करना नामुमकिन है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है। लेकिन आप भूलिए मत, एक तारा जो कि हमारी पृथ्वी क्या बल्कि हमारे सूर्य से ही कई ज्यादा गुना बड़ा हो तो उसके पास श्वार्ज़शील्ड रेडियस होगी। क्योंकि जब कोई तारा जो कि हमारे सूर्य से 3 गुना ज्यादा बड़ा हो अपने जीवन के आखिरी चरणों में अपने न्यूक्लियर फ्यूल को खत्म कर देता है तो उसके थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन के बंद होने की वजह से वह संतुलन की अवस्था में नहीं रह पाता। वह अपने गुरुत्वाकर्षण की वजह से खुद में ही ढह जाता है और वह खुद में ही सिमट कर एक ब्लैक होल के रूप में बदल जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने पहली बार सन 1916 में अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की सहायता से ब्लैक होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। उनके अनुसार हमारे ब्रह्मांड में ऐसे पिंड मौजूद हो सकते हैं जिनका ग्रेविटेशनल पुल अविश्वसनीय रूप से बहुत ज्यादा अधिक हो, और आइंस्टीन के अनुसार किसी भी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण किसी वस्तु के टाइम और स्पेस को मोड़ता है, यानी उसके आसपास लपेट देता है और उसे कर्व जैसा रूप देता है। उनके अनुसार गुरुत्वाकर्षण प्रकाश के किनारों को भी मोड़ देता है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग इसका एक उदाहरण है। यही वजह है पृथ्वी से हमारे सूर्य के पीछे के तारे हमें अपने मूल स्थान से थोड़ा अलग स्थान पर दिखते हैं, क्योंकि हमारे सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल उन तारों से आती रोशनी को मोड़ देता है। इस तरह से ब्लैक होल के पीछे से आती हुई रोशनी को उसका गुरुत्वाकर्षण डिस्टॉर्ट यानी विकृत कर देता है, और इससे स्मीयर्स या स्मजेस का निर्माण होता है। कई वर्षों बाद सन 1967 में अमेरिकी खगोल शास्त्री जॉन व्हीलर ने इसे नाम दिया ब्लैक होल, और सन 1971 में एक्सरेज सोर्स की सहायता से सिग्नस X1 नाम के बाइनरी स्टार सिस्टम में पहली बार ब्लैक होल के उपस्थित होने की पुष्टि की गई थी। और सिर्फ ये ही नहीं, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में सेजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन में एक सेजिटेरियस नाम का सुपरमैसिव ब्लैक होल स्थित है। इसका द्रव्यमान 4 मिलियन सूर्य के बराबर है। सुपरमैसिव ब्लैक होल ब्रह्मांड में सबसे बड़े ब्लैक होल होते हैं। माना जाता है कि हर आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। हाल में वैज्ञानिकों ने 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की सहायता से पहली बार आकाशगंगा M87 के केंद्र में स्थित ब्लैक होल की असली तस्वीर को दुनिया के सामने पेश किया था। तो अब खगोलविदों और हमें पता है कि एक ब्लैक होल हकीकत में कैसा दिखता है। वैसे हम सबको पता है कि एक दिन इस ब्रह्मांड की सभी चीजें जिन्होंने जन्म लिया है खत्म हो जाएंगी, फिर चाहे हमारी पृथ्वी ही क्यों ना हो। पर मान लेते हैं इस अंतरिक्ष में हम इंसानों के जीवन की संभावना को बचाने की उम्मीद लिए किसी नए ग्रह की तलाश में स्पेसशिप में निकल पड़े हैं, और फिर उस सफर में हमारा सामना होता है एक ब्लैक होल से,
और तब हमारे मन में ये जिज्ञासा उठ जाती है कि आखिर आज मौका मिला है इस रहस्यमय चीज को जानने का, और हम ब्लैक होल की तरफ स्पेसशिप लेकर चल देते हैं, बिल्कुल इंटरस्टेलर फिल्म की तरह। तो क्या होगा अगर हम गलती से उस ब्लैक होल की चपेट में आ जाएं? अपनी बढ़ती हुई जिज्ञासा के चलते हम अपना ब्लैक होल की तरफ का सफर शुरू कर देते हैं। अब जैसे जैसे हम ब्लैक होल के भीतर की ओर आगे बढ़ते हैं, आकाश का डिस्टॉर्शन यानी विकृति बहुत ज्यादा बढ़ती ही जाएगी, और फिर हमारी आंखों के सामने ब्लैक होल का अंधेरे वाला बड़ा हिस्सा अब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने के आधे हिस्से को अंधेरा निकल जाएगा, और तब हम पहुंच जाएंगे फोटोस्फेयर क्षेत्र में। इस बिंदु पर प्रकाश न तो पूरी तरह से ब्लैक होल के द्वारा निकला जा रहा होगा और न ही पूरी तरह से उसके बाहर जा पा रहा होगा। फोटोस्फेयर क्षेत्र एक ऐसा स्थान है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है कि प्रकाश सर्कल में यात्रा कर सकता है, यानी यहां फोटोन्स ब्लैक होल की परिक्रमा कर रहे होते हैं। और खास बात यह है कि अगर हम यहां थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और अपने सामने की तरफ देखते हैं तो हमें अपने पीछे के सिर का हिस्सा दिखाई देगा, यानी हम अपने सिर के पीछे के हिस्से को अपने सामने देख सकेंगे। और आइंस्टीन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण सिर्फ स्पेस को ही नहीं मोड़ता बल्कि वह समय को भी मोड़ता है, और ब्लैक होल के नजदीक गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि जब कोई हमें ब्लैक होल में जाते या कूदते हुए देखेगा तो हम उसे ब्लैक होल में खींचे चले जाने के बजाय धीरे धीरे नीचे जाते हुए दिखाई देंगे, यानी हम ब्लैक होल के जितने नजदीक होंगे समय हमारे लिए उतना ही धीमा हो जाएगा, जब तक कि हम ब्लैक होल के इवेंट होराइजन नाम के हिस्से तक नहीं पहुंच जाते। इवेंट होराइजन वो हिस्सा है जहां पर प्रकाश भी एक बार पहुंच जाए तो वापस नहीं जा सकता, और हम तो सिर्फ एक इंसान हैं। फिर हमें महसूस होगा कि हमने यहां आकर बड़ी भूल कर दी है। अंतरिक्ष में मौजूद व्यक्ति को हम जमे हुए जैसे लगेंगे, और फिर धीरे धीरे दिखाई देना बंद हो जाएंगे, और फिर वह व्यक्ति हमें इवेंट होराइजन पार करते हुए नहीं देख सकेगा, लेकिन हम अभी भी सुरक्षित होंगे। और जब हम इवेंट होराइजन को पार कर रहे होंगे तब हम इवेंट होराइजन की भीषण गर्मी को झेलेंगे, और फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम हॉकिंग रेडिएशन की चपेट में आकर राख हो जाएं, लेकिन अगर फिर भी किसी न किसी तरह हम बच जाते हैं तो इवेंट होराइजन तक पहुंचने के बाद हम ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी की तरफ आगे बढ़ने लगेंगे। ब्लैक होल के केंद्र में सिंगुलैरिटी एक वन डायमेंशनल बिंदु या पॉइंट होता है जिसमें एक बहुत ही छोटी जगह में ह्यूज मास यानी विशाल द्रव्यमान होता है जहां घनत्व और गुरुत्वाकर्षण अनंत हो जाते हैं। और फिर जैसे जैसे हम ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे हमारे लिए पूरे ब्रह्मांड का दृश्य एक छोटे से बिंदु में कंप्रेस होता जाएगा। जैसे जैसे हम सिंगुलैरिटी की तरफ पहुंचेंगे गुरुत्वाकर्षण बढ़ता जाएगा, यहाँ गुरुत्वाकर्षण हमें अपने सिर की बजाय पैरों में ज्यादा महसूस होगा, और हमारा पूरा शरीर गुरुत्वाकर्षण की वजह से सिंगुलैरिटी की तरफ खींचने लगेगा, जैसे हम कभी कभी च्युइंगम खाकर उसे खींचकर लंबा कर देते हैं। वैज्ञानिक भाषा में इसे स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। और फिर इस बिंदु तक पहुंचते ही हमारे शरीर का एक एक अणु फट जाएगा, लेकिन असल में वहां क्या होता है कोई नहीं जानता। क्या पता हम वहां से ब्रह्मांड के किसी दूसरी जगह पर पहुंच जाएं, या फिर एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में वैज्ञानिक भी पूरी तरह से नहीं जानते। आपका इस बारे में क्या सोचना है ये कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा।